और भाई कई हाल चाल है, मजा में होगा। आज आपने जीवाणु जनित रोग फैल रहा है, यानी कि कसा रोग जीवाणु से हो गए, बड़ी इंटरेस्टिंग ठीक है, घो मजा होगा। देखो अन्य कहीं होगा ऐसी बीमारियां फैलाना जो जीवाणु से हो। एक आप ट्रिक बनेगी कि पंडित का टीका न्यू है, देख लो कई ट्रिक है अपनी, पंडित का टीका न्यू है। और आपने कुछ ऐसी बीमारियां दिखाना जो अनसे हुए जीवाणु, देखो जैसे पसे हो गयो फ्लेग, तो फ्लेग नहीं प्लेग, इसको पाने प्लेग ही है, प्लेग। दूसरा है डिप्टीरिया, तीसरा है टाइफाइड, टाइफाइड। कहां से होगी काली खांसी ठीक है। और तीसरा है टिटनेस। और कहां से होगी कुष्ठ रोग। नीसो की निमोनिया, सूरज रोग ज्यादा हो गई हो, निमोनिया ठीक है। और हेसे हो गया हैजा, ठीक है, हैजा में टट्टी लग गया। तो देखो कतरी बीमारियां होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बस आप जीवाणु से और भी घनी बीमारियां हो, लेकिन मुख्य मुख्य बीमारियां ही 7-8 बीमारियां परीक्षा में आराम से ही एक भी आओ। आराम से कसी बीमारियां है जहां से देख के हमारा कंफ्यूजन हो जाओ कि वायरस से हो कि जीवाणु से हो कि विषाणु से हो कि हेलमंती या अलग अलग से हुआ नहीं या प्रोटोजोआ से हुआ। तीन बीमारियां ज्यादा है, तो प्रोटोजोआ एक वायरस और एक जीवाणु वाली ज्यादा हुई। तो जीवाणु की आज आपने देख ली, वायरस और प्रोटोजोआ की आपने खाल देखा, ठीक है। तो आशा करो था समझ में आ गया होगा, घो मजा आया होगा, तो आप दोस्त भी शेयर करो, हमें बताओ। जय श्री राम, ठीक है।